एक सभासद के रूप में अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर मंत्री पद तक का सफर तय करने वाली उत्तर प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण आखिरकार वैश्विक महामारी कोरोना से जंग हार गई। 18 जुलाई को उनका कोरोना का टेस्ट हुआ था, जिसके बाद राजधानी लखनऊ स्थित PGI में उनका इलाज चल रहा था। उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी साथी मंत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 मई 1958 को जन्मी कमला रानी ने समाजशास्त्र से MA किया। फिर साल 1989 में BJP ने कानपुर के द्वारकापुरी वार्ड से पार्षद का टिकट देने के साथ ही साल 1996 में BJP ने उन्हें घाटमपुर की सुरक्षित संसदीय सीट से चुनावी मैदान पर उतारा। कमला रानी ने इस चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल कर लोकसभा तक का सफर तय किया। वो साल 1998 में भी उसी सीट से दोबारा चुनाव जीती। सांसद रहते कमल रानी ने लेबर एंड वेलफेयर उद्योग, महिला सशक्तिकरण, राजभाषा और पर्यटन मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समितियों में रहकर काम किया। फिर 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 585 वोटों से बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल संखवार के हाथों पराजित होना पड़ा। हार के बाद भी कमला लगातार BJP के संगठन को मजबूत करने में लगी रही। उसी का इनाम उन्हें साल 2012 में मिला, जब पार्टी ने उन्हें कानपुर देहात के रसूलाबाद से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो जीत नहीं सकी। साल 2017 में BJP ने उन्हें कानपुर के घाटमपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। उस वक्त वे इस सीट से जीतने वाली पार्टी की पहली विधायक बनी। इसके साथ ही पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और लगन के मद्देनजर साल 2019 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उन्हें योगी सरकार में तकनीकी शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई। ये सब अपने सामने छोड़ गए कि उन्होंने क्या किया था और उनके अनुरूप हमको चलना चाहिए। आपस में लड़ झगड़कर कोई काम नहीं करना चाहिए। आज भले ही कमला रानी वरुण हमारे साथ ना हो, लेकिन उनका पार्टी और क्षेत्र के प्रति समर्पण हमेशा स्मृतियों में जीवित रहेगा। साथ ही एक प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री का निधन हमें कोरोना संक्रमण सजग और सचेत और सजग रहने की चेतावनी भी देता रहेगा। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप, गूगल प्ले पर उपलब्ध।